दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय LIC, हर पल आपके साथ। राजा हो या रंक, लोकतंत्र में सबको सड़क पे उतरना ही होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी। हम उनसे बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, वो भोपाल में आए हैं। सर, नगरीय निकाय चुनाव में जो आम आदमी की पार्टी की भूमिका रहेगी, वो किस तरह आगे बढ़ेगी? वो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो नगरीय चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में उतर रही है और पिछले 2 महीने से लगातार पार्टी तैयारी कर रही है। हमने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और आज से भोपाल से ये संकल्प रैली की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में खास तौर से जो आज परिस्थितियां बनी हैं कि कांग्रेस भाजपा आज मिल करके सरकार चला रही है, कांग्रेस के जीते विधायक भी सरकार में शामिल हैं, भाजपा के जीते विधायक भी सरकार में शामिल हैं, तो ऐसे में एक विकल्प की तलाश है मध्य प्रदेश को। आम आदमी पार्टी इस नगरीय चुनाव के निकाय चुनाव के माध्यम से उस विकल्प को देने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती से उतर रही है। क्या मध्य प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारे पास पैसे तो नहीं है उतना, तो डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से सीधा संवाद जो है वो हमारे कैंडिडेट जो है स्थापित करेंगे और लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर, दिल्ली सरकार में कार्य की सराहना की जाती है, स्कूलों की व्यवस्था और बाकी पेयजल की व्यवस्था, मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव उतरेंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, समर्थन देते हैं जनता, तो सबसे जो पहला हमारा मुद्दा होगा कि यहाँ हाउस टैक्स माफ़ करेंगे और जो कमर्शियल टैक्स है उसे हाफ करेंगे, दूसरा साफ सफाई की गारंटी, और तीसरा जो भ्रष्टाचार चारों तरफ नगर निकाय में फैला हुआ है उनको रोक लगाना, जिससे कि वहाँ के लोकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। भ्रष्टाचार को कैसे रोक लगाया जा सके, ये दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह क्या बंद हो चुका है? देखिए, भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए जैसे छोटे छोटे काम करने के लिए यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं मध्य आदमी ढूंढने पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर हमने तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिए, तमाम हमने वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया है। अगर आपको कोई काम कराना है, आप फ़ोन करिए उस नंबर पे, सरकार का आदमी जो है वहाँ जाता है और उनसे 50 रुपये की फीस है, सारा काम करवा करके आपके घर डिलीवरी करवा देते हैं। गोपाल जी, दिल्ली का सिनेरियो और मध्य प्रदेश का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या दिल्ली का मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? लोग तो मध्य प्रदेश वाले वैसे ही हैं जैसे दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में भी मध्य प्रदेश वाले जाके बहुत रहते हैं, तो मेरे ख्याल से चाहेंगे तो जो समस्या है समस्या का समाधान हो सकता है। रैली को लेकर कुछ आशंकाएं बनी हुई थी, सभाओं को कैंसिल किया गया, इस पर आपका क्या है? मेरा इतना ही कहना है सरकार से कि इस तरह की मतलब कार्रवाई ठीक नहीं है। जब सभी लोगों की रैलियाँ सभाएँ होती हैं तो मुझे लगता है सभा करने देनी चाहिए, सभा रोक लगाने से तो किसी की आवाज़ नहीं रुक सकती है। सर, एक अंतिम सवाल कि नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आप लाएंगे? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर निर्भर करता है, बदलाव अगर वो चाहते हैं भाजपा कांग्रेस की राजनीति से तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है, जितना चाहे उतना वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और BJP दोनों सरकार चला रही है, वो तो हकीकत है कि जो कांग्रेस से विधायक जीत कर आए थे वो भी सरकार में, जिसको जनता ने वोट दिया था, भाजपा को जिनको वोट दिया था वो भी सरकार में, तो ये तो भाजपा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार संयुक्त मोर्चे की सरकार चल रही है। सर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस कैंडिडेट जिनने भाजपा में ज्वाइन की थी वो दोबारा से जीत कर आए, भारी मतों से जीत कर आई। मैंने कहा ना कि वो तो संयुक्त मोर्चे की सरकार चला रहे हैं, संयुक्त मोर्चे की सरकार के दम पे चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन पहली बार लोगों को धोखा मिला है, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद लेकर के भाजपा की सरकार को हटाने के लिए वोट किया था, लेकिन जिस तरह से वो भाजपा में शामिल हुए उससे तो जिसको हटाया था सरकार जनता ने वही सरकार है आज, तो लोकतंत्र में तो जो अवसर था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। मध्य प्रदेश की जनता को एक संदेश आम आदमी पार्टी की तरफ, हम एक ही बात कहना चाहते हैं खासतौर से युवाओं से कि आलोचना से काम नहीं चलेगा, अगर आप सचमुच बदलाव चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी स्वागत करेगी सभी उन युवाओं का जो बदलाव के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, और हम इस चुनाव में युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका देना चाहते हैं।
तो ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी। इनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को चांस दिया जा रहा, मौका दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से जुड़े और देश को आगे बढ़ाएं, मध्य प्रदेश की प्रगति की ओर ले जाए। फिलहाल ये अब जनता के हाथ में, जनता इसको किस तरह लेती है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़, ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।